बात करेंगे कोडरमा के डोमचांच की, जहां डिबरा कारोबारी अर्जुन साव की मौत के मामले में डोमचांच थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। फिर भी आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, वारदात के बाद से इस मामले की चर्चा है। कारोबारी अर्जुन साव की मौत के करीब 72 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस जांच और साक्ष्य संकलन के नाम पर लेट लतीफी कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी को शायद नजरअंदाज किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा ने कहा है कि जिस तरह से माइका कारोबारी की हत्या इन पुलिस कर्मियों ने की है, ऐसे में उन्हें सिर्फ निलंबित कर देने से काम नहीं चलेगा। स्थानीय लोगों की माने तो डोमचांच के नीरू पहाड़ी में अवैध माइका वाहन को पुलिस ने पकड़ा था और माइका गाड़ी को छोड़ने के एवज में इन पुलिस कर्मियों ने 4 लाख रुपए भी वसूल लिए। इसी बात को लेकर जब विवाद बढ़ा तो इन पुलिस कर्मियों ने अर्जुन साव की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के वर्दी में एक बड़ा धब्बा है, ये लगता है कि कोडरमा नहीं बोलता झारखंड में शायद ऐसी पहली घटना होती है। मतलब जिस तरह अमानवीय तरीके से पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, मारने के बाद उसको साक्ष्य छिपाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की गई, उसको घसीटते हुए ले गया पूरा कल, मैंने उनके शरीर में यह सारा ये हो रहा था, तब मारपीट भी हुई है पुलिस का, जबकि एक काम है डीएमओ का, एक काम था फॉरेस्ट विभाग का। दरोगा किस आधार पर गाड़ी पकड़ा और किस आधार पर इसको मार करके फेंक दिया, इसका बहुत बड़ा अत्याचार है और ये असंवैधानिक कदम है। और जो पुलिस जनता को संरक्षण देती है, सुरक्षा देती है, और आज वही पुलिस यदि हत्या कर रही है, तो हम समझते हैं कि कोडरमा में जो कैप्टन है, पुलिस कप्तान, वो उनके नेतृत्व में